जब बात बॉलीवुड में संस्कारों की आती है तो उसमें सबसे ऊपर रहता है बच्चन परिवार। एक दो सदस्यों को छोड़ दें तो बच्चन परिवार हमेशा से अपने सद्व्यवहार के लिए जाना जाता है। जहां एक तरफ बॉलीवुड में स्टार्स के बीच अंग्रेजी बोलने का चलन है तो वहीं अमिताभ बच्चन धारा प्रवाह हिंदी में बात करते हैं। अमिताभ का ये असर अभिषेक के बाद उनकी पोती आराध्या पर भी पड़ रहा है। वो दूसरे स्टार किड्स के मुकाबले ज्यादा समझदार नजर आती हैं। हाल ही में एक इसकी झलक भी देखने को मिली। दरअसल ऐश्वर्या राय कांस फेस्टिवल में रवाना होने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पहुंची थी। यहां उनके साथ अभिषेक बच्चन और आराध्या भी थे। ऐश्वर्या और अभिषेक को मीडिया के साथ साथ लोगों ने घेर लिया। लोग ऐश्वर्या के साथ फोटो खिंचाने लगे। इस दौरान बार बार ऐश्वर्या का ख्याल अपनी बेटी आराध्या की तरफ जा रहा था, लेकिन आराध्या ने यहाँ समझदारी दिखाई और अपनी माँ से दूर हट गई। आराध्या ने अपनी माँ को इशारा किया कि आप अपने फैंस के साथ फोटो खिंचाओ, मैं किनारे खड़ी हो जाती हूँ। आराध्या अभी सिर्फ 10 साल की हैं, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास है कि ऐश्वर्या उनकी माँ होने के साथ साथ एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं और उनके करोड़ों फैंस हैं। तो जब जब ऐसे मौके पड़ेंगे तो उन्हें अपनी माँ के साथ इसी तरह से पेश आना होगा। हालांकि कई बार आराध्या और ऐश्वर्या को ट्रोल भी किया जाता है। लोग ऐश्वर्या को केयरलेस मदर तक बता देते हैं तो कभी आराध्या के लुक का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने के 28 साल बाद भी पूरी दुनिया में ऐश्वर्या की खूबसूरती का डंका बजता है। हर बार उन्हें कांस जैसे बड़े बड़े फेस्टिवल में बुलाया जाता है। पिछले कुछ सालों से इन फेस्टिवल में आराध्या भी जा रही हैं, जो इतनी कम उम्र से ही इन बड़े बड़े इवेंट्स को समझ रही हैं। हालांकि ट्रोल करने के लिए आपके पास लाख वजहें हो सकती हैं, लेकिन इस चक्कर में कभी ये नहीं भूलना चाहिए कि आराध्या उम्र में कितनी छोटी हैं। हो सकता है कि कल आराध्या ही अपनी माँ की तरह मिस वर्ल्ड बनकर देश का नाम रोशन कर दें। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अरे उधर मत जा यार, चिल्लाएंगे भुगत। अरे इसने मत जा यार, उसे क्या मत जा। स्माइल भी दे रहे हैं उनको। ये जोड़ी हिट है। थैंक यू।